الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم सदात किराम उलमाई की राम आज आपा जी का रहमतुल्लाह ताला अलैह का चेहलम शरीफ है। अहले सुन्नत के अजीम मशाइख तशरीफ फरमा हैं। मेहरुल मिल्लत हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती, हज़रत पीर तरीक़त सैयद इंतिसार-उल-हसन शाह साहिब और दीगर मुक्तदर उलमाई किराम, अल्लामा इकबाल अलैह रहमा ने मुआशरे में खातून की अहमियत को बयान किया और चूँकि टाइम मुख्तसर है मैं इसी रुबाई पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। अल्लामा मुफक्कर इस्लाम डॉक्टर इकबाल अलैह रहमा के इस कलाम को ही मेरा पैगाम समझिए। इस वक्त उम्मत पर बड़ा कड़ा और मुश्किल वक्त है और मैं समझता हूँ इसका हल ये है कि आज भी नेक माओं की ज़रूरत है और यह नुस्खा कलंदर लाहौरी ने पेश किया। इस वक्त जो फितना फसाद का दौर है, हर तरफ फसाद है, अल्लामा इकबाल ने उम्मत को जो पैगाम दिया कि गर्ज़े बंदे दुर्वेश पजीरी हज़ार उम्मत बमीरद तू न भीरी। इकबाल की एक नसीहत पल्ले बांध लो, सारी उम्मतों को जवाल आ जाएगा, मुसलमानों तुम्हें जवाल नहीं आएगा। और नुस्खा एक ही बता रहा हूं, इस नुस्खे को पल्ले बांध लो, फिर समाद कीजिए। गर्ज़े पंदे दुर्वेशे पजीरी, अगर दरवेश इकबाल की इस नसीहत को पल्ले बांध लो और इसको पजीराई दे दो, हजार उम्मत बमीरद तू न मीरी, हजार अकवाम को जवाल आ सकता है तुम्हें नहीं आएगा। और ये नसीहत सुन लीजिए, अल्लामा बेटी को बहन को पैगाम दे रहे हैं कि बतूले बाश पिनाशो अजी आसफ कि दर आगोश शबीर बगीरी, मेरी बेटी तू सैयदा फातिमा की कनीज बन जा, फिर तेरी गोद में हुसैन का गुलाम भी आ जाएगा। आज आपा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जैसा कि पहले मुझसे खतीब बयान फरमा रहे थे कि आपने सारी जिंदगी इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को रोशन किया, और हो क्यों ना कि बेटी उनकी है और घरों में शिकवा और होता है। सैयदा पाक का शिकवा ये था कि मौला तेरी रात इतनी छोटी है कि फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं होता, इसलिए ये शब जिंदादारियां, ये जिक्र फिक्र आहे सहरगाही, जिन घरों में माओं की दुआएं आती हैं फिर वो दुआएं तकदीर भी बदलती हैं, मुआशरा भी बदलता है। वक्त का तकाजा यही है कि ऐसी खवातीन और सैयदादियाँ जिन्होंने मुआशरे के अंदर अपनी बेटियों को पैगाम दिया, आज जितना यहाँ उसका इज्तमा है, और मैं पहले मुझसे गालबन कोई अमेरिका के डॉलर और रियाल और पाउंड्स का जिक्र भी हो रहा था, यकीनन सिक्का दुनिया में भी चल रहा है तो मुस्तफ़ा का क़यामत को भी चल रहा है तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आखिरी बात अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा, और ये जो हम बात कहते हैं अहले सुन्नत व जमात और इस वक्त अकीदा ख़त्मे नबूवत के हवाले से, किबला अल्लामा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती तशरीफ़ फरमा है, जिस तरह सैयद साहब यहाँ ख़त्मे नबूवत का तज़करा करते हैं, यूरोप भी हम तज़करा अल्लामा जनाब मोहम्मद मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमाएँ, यूरोप में भी सुन्नी जैसे आप यहाँ लब्बैक का या रसूल अल्लाह का नारा लगाते, वहाँ भी लब्बैक का या रसूल अल्लाह का नारा शायद कहीं कोई ज़हनों में हो कि जो या रसूल अल्लाह कहने वाला उसके लिए फिजाएँ यूरोप की और हो जाती हैं। जैसे आप जहां खत्म नबूवत का परचम बुलंद किए हुए हैं, अल्लाह का करम है कि यूरोपी पर बरतानिया की सरजमीन पर हमारे या रसूल अल्लाह कहने वाले मशाइख उलमा यहां पर भी या लब्बैक या रसूल अल्लाह,
اور حضرت صاحب سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی کی سرپرستی میں 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر بھی ہم نے لبائی کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور وہاں پر آپ کی سرپرستی میں پرائم منسٹر کو 1,00,000 پٹیشن بھی پیش کی ناموس رسالت کے حوالے سے، دیگر مشائخ اور علماء کرام بھی۔ تو میں یہی سنیوں کو پیغام دوں گا کہ آگے بڑھئے، اب تمہارا دور ہے، اور آگے بڑھ کر اپنی قیادت جو تسلیم ہو چکی ہے، اب آپس میں اتحاد اور اتفاق سے آگے بڑھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔